मैं आपको अपने एक्टिंग करियर के उस मंदिर में लेके आया हूँ जहाँ से आज मैंने से कोई 34 साल पहले मैं आया था एक एज स्ट्रगलिंग एक्टर। ये बिल्डिंग है राजश्री प्रोडक्शंस की, जिसकी स्थापना 1947 15 अगस्त हुई थी, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी उसी दिन इसकी। मैंने बहुत सारे दिन यहाँ गुजारे हैं इस यहाँ पर इस और ये पूरे इस पूरे आंगन से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। सारांश की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ बहुत आता था और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर बहुत हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान आया था। और मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि राज बाबू इस गाड़ी से उतरे हैं, श्री राजकुमार बड़जात्या जी। क्या बात है, क्या बात, बस मजा आ गया। ये हैं जिनकी बदौलत मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 32 सालों में लगभग 509 फिल्में कर चुका हूँ। और मेरी ज़िंदगी का पहला पोस्टर इस मेन रोड पे यहाँ लगा था, बड़ा सा बैनर। राज बाबू, मैं यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत को इंटरव्यू करने आया हूँ, उसका नाम मैं अंदर जाके बताऊँगा, मगर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे मिलेंगे। अनुपम जी, सारांश के लिए अनुपम जी ने हमें हमारे हीरो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा दिया फिल्म पर। राजश्री जी की प्रोडक्शन के हिस्ट्री में बेस्ट एक्ट्रेसेस से बहुत अवार्ड मिले थे। बेस्ट एक्टर का मिला। थैंक यू, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिस इज द ग्रेट इंसिग्निया एम्बलम मार्क ऑफ राजश्री फिल्म्स। तो ये वो जगह है और वो सामने श्री सूरज बड़जात्या जी हैं, मेरे आज के गेस्ट। सूरज, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल टू सी यू। यू लुकिंग अमेजिंग। ओह थैंक यू, अमेजिंग। यू आर बैक होम। आई एम बैक होम ब्रो। आप बहुत जबरदस्त लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ही वॉज एन असिस्टेंट इन माई फर्स्ट फिल्म सारांश, और इनको मैंने पहला जॉब दिया था। ये एक एंथुजियास्टिक सा लड़का, प्रोड्यूसर साहब का बेटा, खड़े थे हैं? और फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। और हालांकि मेरी पहली फिल्म थी, तो मैंने कहा जाओ मेरी फाइल, डायलॉग की फाइल लेकर आओ। मैं भागा महबूब स्टूडियो भागा और लेके आया, तो कुछ पढ़ा भी नहीं ऐसे, बट एक काम दिया मुझे फर्स्ट। Very good. And this is the place that we walked in together. I have spent so many years. यहाँ पर ही मैंने वो हम आपके हैं कौन देखने के बाद कमल बाबू से कहा था कि पुलिस बुलानी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी रोकने के लिए। ऐसे आया अनुपम से, यहाँ आए कमल बाबू से मिले, कैसी लगी पिक्चर, तो बोले पुलिस बुलानी पड़ेगी उतार। और वैसा हुआ है, पुलिस ही बुलानी पड़ती थी उतारने के लिए। ये इनका सारा रेगुलर स्टाफ, ये मोरे है, मोरे इधर आओ। मोरे पिछले 34 साल से मेरा दोस्त है। ही सर्व्ड मी टी एट दैट टाइम ड्यूरिंग सारांश एंड ही स्टिल सर्व्स मी टी, वन ऑफ द बेस्ट। इनके खासियत यहाँ पर यह है राजश्री प्रोडक्शंस की, कि इनका स्टाफ जो है ना वो सालों तक चलता है। जब स्टाफ वाले तंग आके खुद ना बोल दें अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, अदरवाइज दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर that his people are working with him all through. तो हम उस कमरे में जाएं जहां मैंने सारांश का बड़ा आइकॉनिक सीन किया था, एंड में बीबी प्रधान जो मेरे कैरेक्टर का नाम था, मिनिस्टर को बोलने आता है कि कोई उम्मीद नहीं है मुझे, बापू की कितना लाठियां खाई हैं मैंने, सूरज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो इस शर्ट ट्राउजर में, बड़ा कैजुअल लग रहा हूँ। मैं आपका इंटरव्यू तो दूसरी शर्ट में करना चाहता हूँ। अच्छा। आप बैठो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नॉट दैट इट इज मेड मच डिफरेंस, बट मैंने शर्ट तो चेंज करनी थी। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू डू दिस इंटरव्यू, बट आई हैव नोन यू फॉर द लास्ट 33 इयर्स नाउ। 33 इयर्स में
इस माहौल में कुछ नहीं चेंज हुआ एज फार एज वैल्यूज आर कंसर्न्ड. सो समटाइम्स लोग सोचते हैं कि सूरज बरजातिया इज अ वेरी प्रोफिलिक डायरेक्टर बट वेरी बोरिंग ऑन टेलीविजन. जबकि मुझे ऐसा दूर दूर तक ऐसा नहीं, बिकॉज हम आई थिंक उस दुनिया में हैं जहां पर जब तक कोई फ्लैशी बात ना कहो, कुछ कमाल की बात ना कहो, तब तक लगता है कि ये कुछ वैल्यू नहीं करते. मैं एक बार गया था कोई वो शो में, प्रमोशन में, विवाह के टाइम, इन वन रियलिटी शो, तो मुझे बोला गया कि जरा मजाक उड़ाओ. मैंने कहा मुझे भेज दो इधर से, मजाक कैसे उड़ाओ किसी का. ओह माय गॉड. सो आई एम क्वाइट, इट्स ओनली बिकॉज़ यू आर देयर. सो मेरी वजह से आपने इंटरव्यू किया, तो उसी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोगों को पहले तो ये बता दूं कि यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियली एंड अदरवाइज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑफ द लास्ट 30 ईयर्स. आपने मैंने प्यार किया बनाई थी, वो कितनी बड़ी हिट थी उस जमाने की? उस जमाने के अनुपम से इट वॉज दफकोर्स द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर, बट इट केम इन द टॉप 9 एवर हिट्स. एंड आई रिमेम्बर उस समय 15-16 क्रोर्स ऑल इंडिया. कितने साल पुरानी होगी? दिस इज 89. ओके. एंड मुंबई सर्किट आई रिमेम्बर वॉज क्लियर 3 crores प्लस फॉर द फर्स्ट टाइम किसी फिल्म ने किया था. सो इट वॉज इन द टॉप 5 एवर. और उसके बाद हम आपके हैं कौन ने तो झंडे गाड़, मतलब दरवाजे टूट गए थे. हाउ मच डिड दैट मेक? दैट अनुपम सर, वी डिड ऑल इंडिया, वी डिड अराउंड 60 प्लस. दैट इज इफ यू सी टुडे आज का 120 क्रोर्स नेट. सो वाओ. तो ये मैं बता दूं कि जो सादगी है ना, इस पे मत जाइए. आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे शुरुआत में? नहीं सर. हाँ, क्यों नहीं अच्छे थे? इस घर में तो, इस खानदान में, इस प्रोडक्शन हाउस में तो सब पढ़े, पढ़ाई में अच्छे हैं. बस अब वही हमेशा एवरेज रहा, कभी 15 के ऊपर तो आया नहीं क्लास में. हमेशा सोचा कोई टीचर पूछ नहीं ले. तो सर ऐसे ही करी, एवरेज एवरेज चलता, कोई साइंस मेरे को जमा ही नहीं. फाइनली 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपने फिजिक्स सर को बोला कि मैं छोड़ दूं क्या. बोले अच्छे केमिस्ट्री में कर लो तुम. तो हिंदी में मुझे बस हिंदी आई स्टू. फिर 10th हुआ तो मार्क्स मेरे बहुत कम आए सर. तो आई रिमेम्बर HR कॉलेज में मेरे फादर को जाना पड़ा साथ में एडमिशन के लिए, राजबाबू को. और सब उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने ना फिल्म वालों के ऐसे बैंड बजा दी कि ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, और मेरे फादर सुनते रहे सर. अच्छा. तो उस दिन मुझे याद है मैंने कहा कुछ तो करो, दिस इज नॉट अ लाइफ टू बी लेड. और फिर HR एक के क्लास पढ़ा मैंने. एवरी आई सोलो स्टूडेंट एंड टीचर इज टीचिंग एंड यू आर अलोन सिटिंग एंड आई टुक लेक्चर एंड शी हैड टू गिव. बट आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस व्हेन आई हर्ड सॉ माय फादर हियर समथिंग. सो यू फेल्ट दैट योर फादर वाज इनडायरेक्टली ह्यूमिलिएटेड बिकॉज़ ऑफ यू नॉट डूइंग good at studies. I was a dreamer. I used to just keep googling karte karte karte. Padhai nahi ki, pata nikal gaya time. Kabhi cricket dekh liya, kabhi film dekh li. But wo din se mere kuch chala lag gaya ki kuch. Us din aapko laga ki ye to galat hua. Aur fir aap top karke nikle. Top karke nikle sir. HRI 11th first, 12th first. All first. So when you decide that you want to do something, it is possible. Yes, sir. By the way, राजश्री की स्थापना हमारे देश की आजादी की स्थापना से जुड़ी हुई है. 15 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और कुछ ही दिनों में 70 साल हो जाएंगे. तो आपका माहौल तो फिल्मी था, मतलब फिल्में बनते थे उसको मैं फिल्मी कहता हूँ, मगर आप लोग कुछ अजीब ही हैं. आई थिंक अनुपम सर यू नो वेरी वेल, ग्रैंडफादर वाज अ डिसिपल ऑफ पांडिचेरी एंड ही ऑलवेज वांटेड टू मेक मूवीज व्हिच ही कैन शो टू हिज इन-लॉज. तो इसी रूम में मुझे याद है इतने इतने सब्जेक्ट्स आए, के नारायण जी इतने इतने बढ़िया बढ़िया सही से ये हिट पिक्चर है पर मेरे काम के नहीं. सो ही इंसिस्टेड दैट होलसम एंटरटेनमेंट ओनली, जिसका आज भी वी आर रीपिंग द फ्रूट्स. एंड एट होम ही हेल्ड नो पार्टीज. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आई मस्ट शेयर. प्लीज प्लीज. इज दैट ग्रैंडफादर को उस समय फिल्मी पार्टी रखने के थे बहुत ज़रूरी. तो हम लोग ना सर we don't have non-veg, no drinks. तो उन्होंने पार्टी रखी घर पे. तो फादर बताते हैं कि कुछ लोग आए नहीं because उनको लगा कि no drinks और कैसे. तो मेरे फादर ने अपनी मदर को बोल दिया किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें. तो मेरी ग्रैंड मदर ने उनको डांट दिया पूरी तरह से कि खबरदार जब ऐसे का एक दिन इसी लिए पहचान होगी तुम्हारी. वाह. सो इन आवर फैमिली
we have had so many functions and people appreciate, you know, sir, appreciate the Rajasthani food, the simplicity. And for me, Anupam sir, even family, so to be grown up in a environment where with my father, my two uncles, I do not know which is my father. There are three fathers. I remember saying there are three fathers, there are three mothers, there's Bua. That whole family is so secure as a security. That is my childhood. How can every member of the family be like that? I'm not finding a reason ki kyun nahi aisa hai, but har insaan, everybody is of same. Aisa lagta hai ki kisi farme mein dal diye aur us farme se nikale. We are 15, 16 of us together. One kitchen, traditional, aaj bhi thali mein khana, and we really enjoy it. Of course. And I don't know what is the reason, but I